मोस्ट अमेजिंग थिंग्स इन दुबई, दुबई में हैरान करने वाली चीजें। आप में से कई लोगों ने दुबई के बारे में सुना होगा। दुबई कई चीजों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। आज हम दुबई के बारे में कुछ ऐसे हैरान करने वाली चीजों के बारे में सुनेंगे जिसके संबंधित शायद आपने पहले कभी न सुना हो। टेम्परेचर कंट्रोल सिटी यानी तापमान नियंत्रित शहर। साल 2014 में दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने ये ऐलान किया कि हम दुनिया की पहली टेम्परेचर कंट्रोल सिटी बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर कई तरह के शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और थीम पार्क्स होंगी। इस सिटी का हर एक हिस्सा टेम्परेचर कंट्रोल्ड होगा, चाहे अंदर के कमरे हो या बाहर की सड़कें। लोग दुबई की तपती गर्मी का सामना किए बगैर वहां कई हफ्तों तक रह सकते हैं। ये विशाल स्ट्रक्चर द मॉल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाएगा। और इस मिनी सिटी का आबो हवा कंट्रोल करने के लिए इसको शीशे के कई चादरों से ढक लिया जाएगा, जिसको सर्दी के मौसम में खोला भी जा सकता है। सिकिंग इन दुबई। दुबई में सिकिंग। अगर आपसे कोई ये कह दे कि चलो दुबई में सिकिंग करते हैं, शायद आप उसे ये कह दें कि तुम पागल तो नहीं, क्योंकि आपने ये कभी न सुना होगा कि रेगिस्तान में भी बर्फ गिरती है, और बर्फ के बगैर तो सिकिंग मुमकिन नहीं। लेकिन सिकी दुबई द मॉल ऑफ द एमिरेट्स में मौजूद एक ऐसा शानदार इंडोर सिकी स्लोप है जहां पहुंचते ही आपको ये महसूस होगा कि शायद आप स्विट्जरलैंड या कश्मीर की किसी सुंदर सी पहाड़ी पे स्कीइंग कर रहे हैं, और बहुत मुमकिन है कि -4 डिग्री टेम्परेचर में रियल लाइफ पेंगुइन्स का खूबसूरत सा चलना आपको यहाँ आने पे बार बार प्रभावित करे। द दुबई फाउंटेन, दुबई का फवारा। क्या आपने कभी पानी को नाचते हुए देखा है? अगर नहीं तो ये नजारा आपको दुबई में हर रोज दिखने को मिलेगा। दुबई फाउंटेन दुनिया में सबसे बड़ा नाचता हुआ फवारा, जो कि दुनिया की बड़ी मशहूर बिल्डिंग बर्ज खलीफा के बिल्कुल सामने है। ये फवारा 45 मंजिला इमारत की ऊंचाई तक अपनी पानी की बुछार छोड़ता है। इस शो को आप दिन या रात में बिना टिकट खरीदे देख सकते हैं, लेकिन रात में जब रंग बिरंग लेजर लाइट्स हिलते पानी के साथ मिलकर जो समा पैदा करती हैं, तो लोगों को घर जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। ये दुबई का इतना पॉपुलर शो बन गया है कि लोगों की अक्सर तादाद यहाँ पे मौजूद होती है। बर्ज खलीफा। जब हम दुनिया के अजीमोशान बिल्डिंग्स की बात करते हैं, तो बर्ज खलीफा का नाम लिए बगैर ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी। बर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, इतनी ऊंची कि लोग इसको 100 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं, और जमीन से इतनी लंबी कि इसकी ऊपरी मंजिल से नीचे की ओर बादल भी दिखने को मिलते हैं। इस बिल्डिंग में करीब 900 रिहायशी अपार्टमेंट्स और कई तरह के होटल्स और शॉपिंग मॉल्स भी हैं। आर्ट लवर्स के लिए तो ये एक जन्नत समा है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर से मशहूर आर्टिस्ट्स की 1000 से ज्यादा पेंटिंग्स दीवारों पे लगाई गई हैं। और अगर आपने आज तक अपनी नजरें ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ाई हैं, तो आप दुनिया की फास्टेस्ट लिफ्ट में चढ़कर 125वीं मंजिल पे मौजूद टेलीस्कोप की मदद से आसमान में बहुत दूर तक देख सकते हैं। ये बिल्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। दी पाम आइलैंड। इसमें कोई शक नहीं कि आपने पाम आइलैंड की बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, और ये भी मुमकिन है कि आप ये नहीं जानते होंगे कि इस आइलैंड को क्यों और कैसे बनाया गया। पाम आइलैंड दुनिया की गिनी चुनी जगहों में से एक है जो कि स्पेस यानी अंतरिक्ष से नजर आता है। इतना खूबसूरत कि देखने वाला अपनी नजरें हटा ही नहीं सकता, और इतना विशाल कि इसकी रेत से 40,000 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स बड़े आराम से भर सकते हैं। इस आइलैंड को 94 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत और 6 मिलियन क्यूबिक मीटर पत्थर से बनाया गया है, और ये सब रेत दुबई के रेगिस्तान से नहीं बल्कि पर्शियन गल्फ के नीचे समुद्री तल से खोदा गया है। इस आइलैंड को बनाने से पहले करीब 100 से ज्यादा फिजिबिलिटी स्टडी की गई है, और आज हमारे बीच ये इंजीनियरिंग डिजाइन की एक शानदार मिसाल बनी है। बर्ज अल अरब। इसके बारे में इतना ही कहना काफी होगा कि ये दुनिया का इकलौता 7-स्टार होटल है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वाकई में दुनिया का अकेला 7-स्टार होटल है जो कि एक मैनमेड आइलैंड पे बनाया गया है।
इस होटल की दीवारें, खाना पीना, आपकी खिदमत के लिए हमेशा किसी का खड़ा रहना आपको ये महसूस दिलाता है कि शायद आप किसी और ही दुनिया में रह रहे हैं। ये होटल इतना अमेजिंग है कि अगर इसकी तारीफ करने लगे तो पूरा दिन ही निकल जाएगा। इसलिए अगर आपको इस होटल में कभी जाने का मौका मिले तो उस अपॉर्चुनिटी को कभी हाथ से गवाइएगा मत। दुबई अंडर वाटर स्वीट्स, दुबई में पानी के नीचे कमरे। बहुत मुमकिन है कि अगर आपने अंडर वाटर होटल्स के बारे में सुना होगा तो उसकी वजह पाम आइलैंड पे मौजूद होटल दी एटलांटिस होगी। इस होटल में लोग वाकई मछलियों के साथ सोते हैं और सुबह उठते ही बेड से मछलियों का नजारा देखते हैं। इन अंडर वाटर स्वीट्स में आपके ऐशो आराम का इतना ख्याल रखा जाता है कि आपके लिए एक प्राइवेट लिफ्ट रखी जाती है। इस लिफ्ट में आपके बगैर किसी और को चढ़ने की इजाजत नहीं। द एटलांटिस में आप डॉल्फिन्स के साथ स्विमिंग और उनकी पीठ पर बैठकर डॉल्फिन राइडिंग भी कर सकते हैं और ये ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि आप इसको चाह कर भी बोल नहीं सकते। पुलिस सुपर कार्स, शायद पूरी दुनिया में दुबई जैसा कोई शहर नहीं। दुबई हर चीज में थोड़ा हटके चलता है, चाहे वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग हो, लार्जेस्ट मैनमेड आइलैंड हो, टेम्परेचर कंट्रोल्ड सिटी हो या वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड रिंग। ये सब चीजें आपको सिर्फ दुबई में दिखने को मिलेगी और इस शहर की पुलिस भी थोड़ा हटके ही चलती है। दुबई पुलिस मामूली गाड़ियों में चलना पसंद नहीं करती, उनके पास हाई एंड सुपर कार्स की एक लंबी कलेक्शन है जिसमें लैम्बोर्गिनी फेरारी से लेकर मर्सिडीज बुगाटी वेरन तक सब कुछ मौजूद है और इनमें से कुछ की कीमत तो 20 से लेकर 30 करोड़ तक भी है। इंडोर स्काई डाइविंग, आप में से कितने लोग जिंदगी में एक बार स्काई डाइविंग करना चाहते हैं? लेकिन आसमान से कूदना या पैराशूट ना खुलने का ख्याल आना आपको इन सब चीजों से दूर रखता है। अगर ऐसा है तो दुबई ने आपके इस डर के लिए भी इंतजाम कर रखा है। आई फ्लाई दुबई दुनिया का एक अनोखा इंडोर स्काई डाइविंग एक्सपीरियंस, जहां पे आप बिना आसमान से कूदे स्काई डाइविंग कर सकते हैं। ये विंड टनल टेक्नोलॉजी पर निर्भर एक खेल है जो कि डाइवर्स को कंट्रोल्ड तेज हवा की मदद से स्काई डाइविंग का अनुभव देता है। यहाँ उम्र की कोई सीमा या हद नहीं, चाहे आपके साथ बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सब इकट्ठे मिलकर इंडोर स्काई डाइविंग का मजा ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में हमारे लिए अपनी मैसेज लिखना न भूलें और दी कहवा को शेयर और सब्सक्राइब करें।